हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय डीके व्लॉग्स। तो अभी मैं और अमित, अंकुश और अरविंद, हम चारों जा रहे हैं झंडे वाले मंदिर। बहुत दिनों से जाने का मन कर रहा था, तो आज फाइनल हो गया है। आज हम चारों जा रहे हैं झंडे वाले मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं बस से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी रूट था और पैसों का भी आप लोग को पता ही है। तो बस, और हम लोगों ने अभी ट्रैवल चालू ही करा था, बस में आके बैठे ही थे और जाम लग गया है। बस बिल्कुल नहीं चल रही है, रुक गई है। तो चलो यार, जाम तो खुल गया है और अब लगता है हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इससे एक भी जने ने आज तक झंडे वाले के लिए बस से ट्रैवल नहीं करा, और इन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं करा होगा, क्योंकि ये अलग अलग राज्य से आए हैं। ये हरियाणा से है, ये हरियाणा से हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं, अयोध्या से। वाह, अयोध्या से। और फाइनली गाइज, हम लोग बस से उतर चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं झंडे वाले मंदिर। आंटी टैक्स ले रही है वीडियो बनाने का। ऊपर का गुंबद जिसकी वाइब्स अलग ही है। और हम लोग चल रहे हैं अभी झंडे वाले माता रानी के मंदिर की जो लाइन लगती है ना जहाँ पे, उसमें चल रहे हैं। और फाइनली माता रानी के दर्शन होने वाले हैं। ये उनका मेन दरबार है, दरवाजा। हाँ हाँ, ठंडी ठंडी हवा। और मैं माता रानी की क्या महिमा आपको बताऊँ, सच्ची में यार। पहले यहाँ पे बेल्स लगी रहती थी, घंटियाँ लगी रहती थी, कोरोना के बाद से यहाँ पे घंटियाँ जो थी वो हटा दी। और माता रानी के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। सामने बैठी है हमारी माता रानी। ये करा झंडे वाली था, बोल साचे दरबार की जय। और सामने मेरी प्यारी माँ बैठी है, जिनकी मतलब कि एक झलक से ना सारे दुख कष्ट सब खत्म हो जाते हैं यार। सच्ची में जय करा झंडे वाली माता तेरी सदा। और एक और चीज, यहाँ पे गणेश बप्पा बैठे हैं, गणपति बप्पा बैठे हैं, गणेश चतुर्थी है ना, तो यहाँ पे बैठे हैं। डेकोरेशन देखो बहुत अच्छी है। सामने बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया। और इसके बगल में ही जलती है माता रानी की अखंड ज्योत। ये 2400 घंटे हमेशा जलती रहती है, ये अखंड ज्योत है। ज्योत के थोड़ा सा इस साइड आके यहाँ पे होते हैं इस टाइम हवन अनुष्ठान वगैरह। अगर आप कुछ भी तरह का हवन करवाना चाहते हैं तो अब वो यहाँ पे होगा। और ये पहले वाली गुफा है, और इसी में कहा जाता है कि जो मेन माता रानी की जो ज़मीन से मूर्ति निकली तो वो इसी के अंदर है। और ये अभी बंद कर दिए, अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर दिए। देखो, जो नीचे अंदर गुफा में नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ पे सीधा कैमरे से लाइव चल रहा है। ये माता रानी की मूर्ति जमीन में से निकली थी, और इनके हाथ में आप साइड देख रहे होंगे, इस साइड वाले हाथ में जो है, लेफ्ट हैंड साइड आई थिंक, लेफ्ट हैंड में एक झंडे जैसा पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो भगत है उसको सपना आया था कि एक मूर्ति है माता रानी की, जिनके हाथ में झंडा है, वो ज़मीन में गड़ी हुई है। तो इस मूर्ति को ज़मीन में से निकाला था, इन माता रानी की मूर्ति को ज़मीन में से निकाला था। और अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर के पास। ऊपर शिव मंदिर बना हुआ है, बहुत प्यारा, दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर बहुत सुंदर शिवलिंग बनी हुई है।
आज से लगभग मैं एक साल पहले आया था यहाँ पे, और तब से दूसरी बार मैं शायद इस शिवलिंग को देख रहा हूँ। बहुत प्यारी शिवलिंग बना रखी है। और ये पूरा एरिया है, यहाँ पे आप ऊपर तस्वीरें देख सकते हैं गणेश जी की, कार्तिक के बीच में। और यहाँ पे पहले पंडित जी बैठा करते रहते, यहाँ पे वो निरंतर पाठ करते थे, वो अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं आपको उनसे भी मिला था। और यहाँ पे नंदी जी सामने ही आपको दिख रहे होंगे। और मैं ले लूंगा प्रसाद। जय माता की। और ये अमित को ही प्रसाद मिल चुका है, अभी अंकुश आ रहा है। हम लोग झंडे वाले मंदिर घूम लिए हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।